हे बोन झूर तुलमान हेलो एवरी वन आज के इस फ्रेंच लेसन में मैं आपको बताऊँगा द फ्रेंच यू ऑलरेडी नो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको फ्रेंच आती है बहुत सारे ऐसे फ्रेंच के वर्ड्स हैं जो आपको ऑलरेडी पता है बट फर्क सिर्फ इतना है कि आपको पता नहीं है कि वो फ्रेंच के वर्ड्स हैं ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनकी स्पेलिंग और जिनका मीनिंग सेम है इंग्लिश में भी और फ्रेंच में भी सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि फ्रेंच में उन्हीं सेम वर्ड्स को हम डिफरेंट तरीके से प्रोनाउंस करते हैं सिर्फ इतना सा डिफरेंस है तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 20 ऐसे वर्ड्स के बारे में जिनकी स्पेलिंग और जिनका मीनिंग सेम है इंग्लिश में भी और फ्रेंच में भी वर्ड्स वैसे बहुत सारे हैं इस तरीके के लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ 20 वर्ड्स के बारे में जानते हैं अदरवाइज़ ये जो वीडियो है वो बहुत लॉन्ग बन जाएगा तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए ये जानना कि ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जिनकी स्पेलिंग और मीनिंग सेम है इंग्लिश में भी और फ्रेंच में भी तो चलिए जानते हैं इन वर्ड्स के बारे में तो ये सारे वर्ड्स फ्रेंच वर्ड्स हैं अब आप अगर इसे ध्यान से देखेंगे तो आप बोलेंगे ये तो लेकिन इंग्लिश वर्ड्स हैं सेम स्पेलिंग है जैसे आर्ट साइलेंस क्लाइंट कॉन्सर्ट कंडीशन करेज कज़न कल्चर डिफरेंट एक्सीलेंट गैरेज इम्पॉर्टेंट ऑरेंज पेरेंट पॉसिबल क्वेश्चन तो दिखने में आपको इंग्लिश वर्ड्स जैसे लग रहे हैं क्योंकि स्पेलिंग सेम है इंग्लिश में भी और फ्रेंच में भी और इवन मीनिंग भी सेम है लेकिन इसका जो प्रोनंसिएशन है वो डिफरेंट है नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि इन वर्ड से पहले ये एन अपस्ट्रॉफ एल ई -E, एल ए ये क्या है और इसे हमने क्यों लगा रखा है इसे भी आपको मैं अभी बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले वर्ड से दिस कौन सा वर्ड है इंग्लिश में येस इट्स आर्ट फ्रेंच में भी इसकी स्पेलिंग सेम है ओके okay? और इसका मीनिंग भी सेम है आर्ट लेकिन इसका जो प्रोनन्सिएशन है वो डिफरेंट है अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि ये एलेपस्ट्रॉफ क्या है और यहाँ पर क्यों लगा हुआ है इस वर्ड से पहले तो फ्रेंच में हर नाउन से पहले एक आर्टिकल लगाना ज़रूरी होता है या तो आप डेफिनेट आर्टिकल पुट करोगे नाउन से पहले या आप एक इनडेफिनेट आर्टिकल पुट करोगे नाउन से पहले ठीक है तो ये एल एपस्ट्रॉफ एक डेफिनेट आर्टिकल है डेफिनेट आर्टिकल इंग्लिश में क्या होते हैं द ठीक है वो होता है इंग्लिश में फ्रेंच में डेफिनेट आर्टिकल की फोर फॉर्म्स होती हैं एक होती है एल एलेपस्ट्रॉफ दूसरी होती है ये एल ई -e, जिसको हम प्रोनाउंस करते हैं ल एक होता है ला एल ए ला और एक और होता है विच इज़ एल ई एस एलियस जिसको हम प्रोनाउंस करते हैं ले ठीक है मीनिंग सेम है उसका द ठीक है तो नाउन से पहले हमें ये आर्टिकल लगाना ही होता है बट जो वर्ड है वो तो खैर डिफरेंट है ही है सो so नाउ अगर मुझे इस वर्ड को प्रोनाउंस करना है फ्रेंच में तो मैं कैसे करूँगा अगर मैं आर्टिकल के साथ करता हूँ तो आई वुड प्रोनाउंस लाइक दिस लार लार ओके हेयर टी इज साइलेंट फ्रेंच में एक जो वर्ड होता है उसका लास्ट का लेटर यूजली साइलेंट होता है तो जैसे यहां पर टी साइलेंट है तो हाउ आई एम प्रोनाउंसिंग इट इट्स लाइक लार लार ओके नेक्स्ट वर्ड विच वर्ड इज दिस इन इंग्लिश येस इट्स साइलेंस ओके सो फ्रेंच में अगर इसे मैं प्रोनाउंस करूं विद द आर्टिकल सो आई वुड प्रोनाउंस लाइक दिस सी लॉन्स ल सी लॉन्स जैसे यहां बहुत सारे लोग बैठे हैं और उन्हें मुझे बोला है साइलेंट सो आई वुड से लाइक दिस सी लॉन्स नाउ नेक्स्ट वर्ड विच वर्ड इज दिस इन इंग्लिश इंट राइट इट्स क्लाइंट अगर इसे हम फ्रेंच में प्रोनाउंस करें तो कैसे करेंगे ल क्लियो लो दैट मीन्स द क्लाइंट ओके नेक्स्ट विच वर्ड इज दिस इन इंग्लिश कॉन्सर्ट राइट इट्स कॉन्सर्ट फ्रेंच में अगर इसे मुझे प्रोनाउंस करना है तो कैसे करूंगा ल कौन सेर ल कौन से कौन सेर अगेन टी इज साइलेंट ल कौन सेर नेक्स्ट इंग्लिश में कौन सा वर्ड है कंडीशन फ्रेंच में ऐसे हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे ला कौदिशियो ला कौदिशियो ला कौन अगेन द मीनिंग इज सेम कंडीशन नेक्स्ट करेज करेज सो हाउ डू आई प्रोनाउंस दिस इन फ्रेंच इट्स ल कूराज लूराज लूराज दैट मीन्स करेज नेक्स्ट कजन राइट इन इंग्लिश इट्स कजन फ्रेंच में इसको कैसे प्रोनाउंस करूंगा मैं ल कूजा लूजा ल कूजा मीनिंग इज सेम कजन नेक्स्ट कल्चर कल्चर इन फ्रेंच हाउ डू आई प्रोनाउंस दिस वर्ड ले कल्चर। दैट मीन्स कल्चर नेक्स्ट डिफरेंट राइट इट्स डिफरेंट अच्छा स्पेलिंग यहाँ पर सेम है इंग्लिश और फ्रेंच में बस इतना सा डिफरेंस है कि फ्रेंच में हम इस ई e के ऊपर एक छोटा सा एक्सेंट पुट कर देते हैं नाउ हाउ टू प्रोनाउंस दिस वर्ड दिफिर दिफिर डिफरेंट इससे पहले हमने आर्टिकल इसलिए नहीं लगाया है क्योंकि एक एडजेक्टिव है ना, ना कि एक नाउन ठीक है ऐसे ही विच वर्ड इज दिस इन इंग्लिश एक्सीलेंट राइट इन फ्रेंच इट्स एक्सीलो एक्सिलो तो अगर आपको किसी को बोलना है एक्सीलेंट इन फ्रेंच आप कह सकते हो एक्सिलो अगेन वी आर नॉट Putting any you know article here because it's an adjective. It's an adjective here. Next, garage. So in French, how do I pronounce it? Is le garage. Le garage. That means garage. Next, important. Right? English may consider important. French may be same spelling, same meaning, but how to pronounce this word in French? It's important. 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 Okay. Next, orange.

question question but in french we say la question la question next word is restaurant see the spelling again is same in french of restaurant okay but how to pronounce this is le restaurant le restaurant le restaurant, le restaurant. next in english it's table now in french how to pronounce this word in french is la table la table next स्पोर्ट एवरी वन लाइक्स टू प्ले स्पोर्ट एनी काइंड सो इन फ्रेंच हाउ टू प्रोनाउंस दिस वर्ड अगेन टी इज साइलेंट इट नॉट द लीस्ट इन इंग्लिश इज ट्रेन राइट फ्रेंच में भी स्पेलिंग सेम है ट्रेन की बट हाउ टू प्रोनाउंस दिस वर्ड तो इट्स लाइक लथ्रा ला लो चलिए दोबारा से एक बार इन सारे वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हैं एंड यू Repeat after me, okay? Répétez après moi. L'art, l'art. Next, le silence, le silence. Le client, le client. Le concert, le concert. Next, la condition, la condition. Le courage, le courage. Next, le cousin, le cousin. Next, la culture la culture next différent 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 next axilon axilon la garage le garage next important important next l'orange l'orange next le parent le parent next possible possible next ला कैस्तियों ला कैश्ती ल रेस्तरो लथ्रा अब आप मुझे खुद कॉमेंट में लिख के ये बताइए कि आपको फ्रेंच पहले से आती है या नहीं आती है एंड डो लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद अदर पीपल इफ दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू